हेलो फ्रेंड्स, गिल्स मेंटोर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ते सोडा स्वागत है। 19 जुलाई है, संडे है, तो अज आप डिस्कस करेंगे अपनी वीकली करंट अफेयर क्लास, यानी कि पूरे वीक दे विच जिन्ने भी करंट अफेयर्स आप डिस्कस किए ने, यानी कि मंडे टू सैटरडे जिहड़े करंट अफेयर्स आप डिस्कस किए ने, उन्हां दी क्विक रिविजन करेंगे एक तरीके दे नाल, और एक डिफरेंट वे दे नाल आप उसनू डिस्कस करेंगे, जिस दे विच आप जिहड़ा हर एक तरीके के क्वेश्चन ने उन्होंने डिफरेंशिएट कर देंगे। सैशन शुरू करने तो पहले सैशन को शेयर करना स्टार्ट कर दो, जिथे भी शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के नाल, व्हाट्सएप, टैलीग्राम, जिथे भी शेयर कर सकते हो, फेसबुक, इसमें शेयर कर दो। सैशन शुरू करने तो पहले थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दें, मिशन IBPS RRB JEE पंजाब, पंजाब पुलिस SI और पंजाब पटवारी के लिए जिहड़े बैचेज स्टार्ट किए जा रहे हैं, अगर तुम उन्होंने एनरोल करवाना चाहते हो तो साड़ी वैबसाइट से विजिट कर सकते हो या फिर तुम साड़ी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। वैबसाइट का लिंक इतने दिता हुआ, इस क्लिक करके वैबसाइट पर विजिट कर सकते हो। किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन इन बैचेज के बारे गैदर कर सकते हो। अगर तुम किसी तरीके का क्रैश कोर्स बाय करना चाहते हो या मॉक टेस्ट सीरीज़ भी बाय करना चाहते हो तो भी तुम इस वैबसाइट में विजिट करके बाय कर सकते हो। चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल में सबसक्राइब कर लो। आप स्टार्ट करते हैं सैशन। सैशन के आप चीज़ें डिस्कस करेंगे उन्होंने बारे देख लें। COVID-19 के रिलेटड जिनी भी न्यूज़ आप डिस्कस कर चुके हैं इस वीक के रिविजन, मिसलेनियस न्यूज़, इनोग्रेशनस, ईवेंट्स, रैंकिंग्स, इस तो अलावा इंपोर्टेंट एग्रीमेंट्स एंड स्कीम्स। काफ़ी ज़्यादा एग्रीमेंट्स और स्कीम्स लॉन्च किए जा रहे हैं COVID-19 के कारण। डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज जिन्होंने लॉस होया वो पार्टनरशिप कर रही ने एक नवे इनिशिएटिव्स दे लई। अवार्ड्स, इंपोर्टेंट डेज जिन्हें भी ऑब्जर्व किए गए इस वीक दे विच, अपॉइंटमेंट्स, काफ़ी अपॉइंटमेंट्स हुई ने उन्होंने बारे डिस्कस करांगे, या फिर स्पोर्ट्स रिलेटेड जिन्हें भी न्यूज़ ने वह सारियाँ आप डिस्कस करांगे। आप स्टार्ट करते हैं अज का सैशन। सब तो पहले है वर्ल्ड फर्स्ट रीयूजेबल PPE, वर्ल्ड की पहली रीयूजेबल दोबारा यूज़ की जाने वाली पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPE लॉन्च किया गया इंडिया दे विच, विद ट्रिपल वायरल शील्ड टेक्नोलॉजी। ट्रिपल वायरल शील्ड टेक्नोलॉजी के नाल इस लॉन्च किया गया। साइंस ते टेक्नोलॉजी मिनिस्टर कौन ने? डॉक्टर हर्षवर्धन ने। इन्हों द्वारा एक वाइट पेपर रिलीज़ किया गया है, किस दे उते फोकस्ड इंटरवेंशन फॉर मेक इन इंडिया इनक्रीज़ करने के लिए। दूसरा, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंटीग्रेंट्स, यानी कि स्टेटस, इशूज, टेक्नोलॉजी रेडीनेस और चैलेंजेस। नेक्स्ट है IIT कानपुर ने एक डिवाइस लॉन्च किया यूवी सैनिटाइजिंग डिवाइस, शुद्ध नाम का यूवी सैनिटाइजिंग डिवाइस, रूम नू कोविड फ्री करन दे लई। शुद्ध की फुलफॉर्म होएगी स्मार्टफोन ऑपरेटेड हैंडी अल्ट्रावायलेट डिसइनफेक्शन हेल्पर। स्मार्टफोन ऑपरेटेड हैंडी अल्ट्रावायलेट डिसइनफेक्शन हेल्पर। मध्य प्रदेश द्वारा डिसाइड किया गया लॉन्च किया गया रोको टोको कैंपेन उन पीपल के लिए जेडे मास्क नहीं पहन रहे ने। अरविंद केजरीवाल कौन ने? चीफ मिनिस्टर ने दिल्ली दे चीफ मिनिस्टर ने। इन्होंने सैकेंड प्लाज्मा बैंक कितने लॉन्च किया? लोक नायक हॉस्पिटल दिल्ली दे विच। रेल कोच फैक्टरी कपूरथला ने की करया? पोस्ट कोविड कोच डेवलप किया। किसने डेवलप किया? रेल कोच फैक्टरी कपूरथला ने। HRD मिनिस्टर कौन ने? इंडिया दे रमेश पोखरियाल निशंक। इन्होंने वर्ल्ड दी मोस्ट अफोर्डेबल, सब तो अफोर्डेबल COVID-19 किट लॉन्च की, जिसका नाम रखा गया कोरोसोर, जिसनों डेवलप किया गया बेसिकली IIT दिल्ली द्वारा। रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा ही प्रज्ञाता गाइडलाइंस लॉन्च किया गया, जिसकी फुलफॉर्म रही प्लान रिव्यू अरेंज गाइड यॉक असाइन ट्रैक और एप्रिशिएट। GMR हैदराबाद एयरपोर्ट ने इंडिया का पहला एयरपोर्ट बनया जिसने कॉन्टैक्टलैस कार पार्किंग लॉन्च किया। बेसिकली इसनों किस दी हेल्प दे नाल किता गया इसनों फास्ट चेक। महाराष्ट्र द्वारा
हैल्थ केयर सर्विसिज एट योर डोरस्टेप, एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया हैल्थ केयर सर्विसिज एट योर डोरस्टेप, किथे नासिक दे विच, नासिक दे विच लॉन्च किया गया। कुछ मिसलेनियस न्यूज़ दे वाल चलते हैं, बुल्गेरिया और क्रोशिया दो कंट्रीज़ ने अपनी करंसी नू यूरो दे विच चेंज करन दी गल कीती है, यूरो दे विच चेंज करन दा डिसाइड किया है। बेसिकली बुल्गेरिया कैपिटल सोफिया है, इस टाइम करंसी लेव चल रही है, और क्रोशिया की कैपिटल जैगरेब है और करंसी इस टाइम कूना चल रही है, दोनों चेंज होकर की हो जाएगियाँ यूरो। सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स ने जोड़े एक टैंपल दे, बेसिकली काफ़ी इंपोर्टेंट और टैंपल है श्री पद्मन भा स्वामी टैंपल, श्री पद्मन भा स्वामी टैंपल कितने लोकेटड है केरला दे विच, इंपोर्टेंट है, इंडिया दे विच सब तो ज़्यादा सोना इस टैंपल दे विच चढ़ाया जाता है। ट्रेनवेक और रॉयल फैमिली नू इस दे एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स दिते गए। बोइंग एक कंपनी है, USA की कंपनी है, इसने हैंड ओवर किए ने अपाचे हैलीकॉप्टर्स AH-64E, पांच अपाचे हैलीकॉप्टर्स नू इंडियन एयरफोर्स नू हैंड ओवर किए गए ने, केड़ी कंपनी द्वारा, बोइंग द्वारा। जियो ग्लास, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा जियो ग्लास डेवलप किया गया, बेसिकली एक रियलिटी हैंडसैट, वर्चुअल इंटेलीजेंस के उत्ते, वर्चुअल रियलिटी के उत्ते कह सकते हैं, टू इनेबल होलोग्राफिक वीडियो कॉलिंग नू इनेबल करन दे लई। मेक इन इंडिया 5G प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया जाएगा जियो प्लेटफॉर्म द्वारा। नैक्सट है इंडिया का जोड़ा टाइगर सेंसिस रहा 2018 का, इसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सैटअप किया है, किस लिए इसने किया है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे की कैटेगरी, वर्ल्ड लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे, जिस दे विच 2,967 टाइगर्स फाउंड किए गए। असम गौरमेंट ने डिसाइड करया टू अपग्रेड पोबा फॉरेस्ट रिजर्व नू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने का डिसाइड करया, पोबा फॉरेस्ट रिजर्व नू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया जाएगा असम गौरमेंट द्वारा ही देहिंग पतकल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नू नैशनल पार्क बनाया जाएगा। रेयर गोल्डन टाइगर, काफ़ी रेयर गोल्डन टाइगर कितने देखा गया, काजीरंगा नैशनल पार्क असम दे काजीरंगा नैशनल पार्क दे विच एक रेयर गोल्डन टाइगर देखा गया। बेसिकली काजीरंगा नैशनल पार्क फेमस है वन हॉर्न राइनो दे लई फेमस है काजीरंगा नैशनल पार्क। यप्थीमा वाटसोनी एक रेयर बटरफ्लाई है, इसनों त्रिपुरा दे विच 61 साल बाद त्रिपुरा दे विच एक बटरफ्लाई देखी गई जिसका नाम है यप्थीमा वाटसोनी, जिसनों लास्ट टाइम मणिपुर दे विच देखा गया सी 1958 दे विच। नैक्सट है कुछ इंपोर्टेंट मीटिंग्स डिस्कस कर लेने हैं। सब तो पहले नीति आयोग के जिहड़े वाइस चेयरमैन ने राजीव कुमार, इन्होंने प्रेजेंट किया इंडिया सैकेंड वॉलेंट्री नैशनल रिव्यू किस दे विच, यूनाइटेड नेशन दी हाई लैवल पोलीटिकल फोरम दे विच, यूनाइटेड नेशन एक मीटिंग दे विच जिहड़ी किस दे उत्ते हैल्ड की गई सी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दा जिहड़ा ईयर रखा गया, याद रखना 2030 टारगेट रखा गया, जिहड़ा 2030 का है याद रखना। 5th एडिशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑन एरोस्पेस एंड डिफेंस मैनुफैक्चरिंग टैक्नोलॉजी, एरोस्पेस और डिफेंस मैनुफैक्चरिंग टैक्नोलॉजी के उत्ते एक कॉन्फ्रेंस हैल्ड की गई, जिसका पंजवा एडिशन हैल्ड किया गया न्यू दिल्ली दे विच, कितने हैल्ड किया गया न्यू दिल्ली दे विच, जिसकी थीम रही एम्पावरिंग इंडिया विद आत्मनिर्भर भारत मिशन, इतने लिखना रह गया। इसमें लॉन्च किस द्वारा किया गया सीगा, श्रीपद यसो नायक द्वारा। डिफेंस एक्विजिशनल काउंसिल ने की करया, पावर्स एमरजेंसी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स दे लई अमाउंट खर्च करने दी पावर, एमरजेंसी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स दे विच अमाउंट खर्च करने दी पावर नू 300 करोड़ दा कर दिता गया डिफेंस एक्विजिशनल काउंसिल द्वारा। मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स फॉर होम अफेयर्स, यानी कि डिप्टी होम मिनिस्टर नित्यानंद राय इन्हां द्वारा एक वैबीनार हैल्ड किया गया थंडर स्ट्रॉम्स और लाइटनिंग देते एक वैबीनार हैल्ड किया गया।
नैक्सट है कुछ इंपोर्टेंट इनोग्रेशन के बारे डिस्कस करते हैं। सब तो पहले KVICCFTI फुटबॉल ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर, KVICCFTI फुटबॉल फुटवीयर ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर, ये अपने तरीके का पहला लैदर आर्टिस्ट नू ट्रेन करन दे लई बनाया गया, इनोग्रेट किया गया इसनों खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन यानी कि KVIC जिसका हेडक्वार्टर मुंबई दे विच है। और दूसरा सेंट्रल फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट CFTI जिसका हेडक्वार्टर आगरा दे विच है। इन्हों दोनों ने मिलकर एक ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर नू न्यू दिल्ली दे विच इनोग्रेट किया। नैक्सट है चाइना हैज़ लॉन्च, चाइना ने की करे एक टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट, एक टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट एप स्टार 6D नू लॉन्च किया लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट द्वारा। अच्छा इतने दो न्यूज़ ज्वाइंट हो गए ने बाय मिस्टेक। स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू, इंडिया के स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ने दो दिन की वीडियो कॉन्फ्रेंस नू हेल्ड किया स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स मिनिस्टर्स दी ऑल स्टेट्स दे, जिन्हें भी स्टेट्स दे स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने और यूनियन टेरेटरीज के स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने उन्हों की कॉन्फ्रेंस नू होल्ड किया गया श्रीपद यसो सॉरी किरण रिजिजू द्वारा, इंडिया के स्पोर्ट्स मिनिस्टर द्वारा। नैक्सट है इंडियन रेलवे ने पहली केबल स्टेट रेल ब्रिज बनाने की गल की है, इंडियन रेलवे ने पहली केबल स्टेट रेल ब्रिज जिसका नाम रखा गया अंधी खाद ब्रिज जिहड़ा डेवलप किया जाएगा कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा जम्मू एंड कश्मीर दे विच। यह ज्वाइन करेगा कटरा नू रियासी दे नाल, कटरा नू रियासी दे नाल, और यह किसका पार्ट है किहड़े प्रोजेक्ट का पार्ट है उधमपुर श्रीनगर बरमाला रेल लिंक का, उधमपुर श्री नगर बरमाला रेल लिंक का पार्ट है। नैक्सट है इंडियन रेलवे द्वारा ही एक ट्रेन चलाई गई है शेषनाग ट्रेन जिहड़ी कि 2.8 किलोमीटर की है, 2.8 किलोमीटर काफ़ी लंबी ट्रेन है, इसनों लॉन्च किया गया नाम रखा गया शेषनाग फ्रॉम नागपुर टू कारबा टू नागपुर कह सकते हैं, इसनों स्टार्ट किया गया। DRDO द्वारा डेवलप की गई P7 हैवी ड्रॉप मोबाइल सिस्टम नू DRDO द्वारा डेवलप किया गया जिहड़ा 7 टन तक दे वेट नू ट्रैवल कर सकता, 7 टन तक दे वेट नू पिकअप कर सकता, कैपेबल कर सकता है। नैक्सट है UAE ने डिसाइड, UAE की करेगा लॉन्च कराया गया मार्स मिशन, UAE दा मार्स मिशन बेसिकली 15 जुलाई नू जिसका नाम रखा गया सी होप प्रोब फर्स्ट ऐसी कंट्री बन चुकी है, फर्स्ट केड़ी कंट्री बन चुकी है, फर्स्ट अरब कंट्री बन चुकी है जिसने इसनों लॉन्च किया है। कैपिटल आबू धाबी है, करंसी इतने दिरहम चलती है। इंडिया की पहली स्टेट लैवल ई लोक अदालत कंडक्ट की गई छत्तीसगढ़ दे विच, पहली स्टेट लैवल ई लोक अदालत छत्तीसगढ़ दे विच कंडक्ट की गई। इजराइल कंट्री द्वारा अराद और कैमल दो राइफल्स डेवलप कीतियां जा रही ने, इजराइल कंट्री द्वारा अराद और राइफल कैमल दो राइफल्स डेवलप कीतियां जा रही ने जिहड़ियां 700 to 1000 राउंड एक मिनट दे विच फायर कर सकदियां ने। अपने लिए क्यों इंपोर्टेंट है क्योंकि यह जिहड़ी राइफल्स ने इन्हां नू इंडिया दे विच भी बेसिकली MP दे विच डेवलप किया जा रहा है। कैपिटल जैरूसलीम है, करंसी इतने शकील चलती है। स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन ने, इंडिया के स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर महेंद्र नाथ पांडे ने इन्होंने इनोग्रेट किया नैशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नू इनोग्रेट किया गया मणिपुर इंफाल दे विच इसनों इनोग्रेट किया गया। नैक्सट है कुछ इंपोर्टेंट रैंकिंग डिस्कस कर लें। सब तो पहले कॉमर्स मिनिस्ट्री द्वारा एक डाटा रिलीज किया गया, कॉमर्स मिनिस्ट्री द्वारा जो डाटा रिलीज किया गया उसने कहा कि USA लगातार दूसरे साल इंडिया की टॉप ट्रेडिंग पार्टनर रही है और दोनों का जो बायलेटरल ट्रेड है वह कितना हो चुका है $88.75 billion। नैक्सट है नंबियो द्वारा एक रैंकिंग रिलीज़ की गई, इन्होंने रैंकिंग रिलीज़ की 2020 दी मिड ईयर क्राइम इंडेक्स। इन्होंने कहा जी कतर है वह सेफेस्ट कंट्री है, कतर सेफेस्ट कंट्री है और ताइवान सेकंड प्लेस के उत्ते है
मिड ईयर क्राइम इंडेक्स के अनुसार। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट ने कशमैन और वेकफील्ड, कशमैन एंड वेकफील्ड इन्हों द्वारा ग्लोबल मैनुफैक्चरिंग रिस्क इंडैक्स जारी किया गया। ग्लोबल मैनुफैक्चरिंग रिस्क इंडैक्स जारी किया गया जिसनों टॉप किया चाइना ने, सैकेंड प्लेस से वियतनाम और थर्ड प्लेस से इंडिया रहे। चाइना ने इस इंडैक्स टॉप किया, सैकेंड प्लेस से वियतनाम और थर्ड इंडैक्स थर्ड प्लेस से इंडिया रहे। नैक्सट है इंडिया बनया सैकेंड लार्जेस्ट फॉरन इन्वेस्टर। किसदा? यूके का। यूके का इंडिया सैकेंड लार्जेस्ट फॉरन इन्वेस्टर बन चुका है यूएसए तो बाद। यानी कि सब तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यूके दे विच केड़ी कंट्री दी है? यूएसए दी है। सैकेंड प्लेस ते इंडिया है और थर्ड प्लेस ते जर्मनी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इंडिया की पहली ऐसी फर्म बन चुकी है, पहली ऐसी कंपनी बन चुकी है जिसने 12 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैपिटलाइजेशन नू क्रॉस किया। 12 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैपिटलाइजेशन नू क्रॉस किया। नेक्स्ट है कुछ इंपोर्टेंट स्कीम्स के वल चलते हैं। सब इंपोर्टेंट पार्ट स्कीम्स का, सब तो पहले आंध्र प्रदेश ने मैपिंग शुरू की है क्रॉप्स की। आंध्र प्रदेश द्वारा क्रॉप्स की मैपिंग शुरू की गई है रायतू भरोसा केंद्र की हेल्प देना, रायतू भरोसा केंद्र की हेल्प देना। नेक्स्ट स्कीम है अपनी हरियाणा रिलेटेड। हरियाणा 1500 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए ने दो स्कीम्स के लिए। पहली स्कीम है 500 करोड़ दिए गए ने क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन अंडर मेरा पानी मेरा विरासत स्कीम। मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम के अंडर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन दे लई 500 करोड़ रुपए और 1000 करोड़ रुपए रेजुविनेशन ऑफ पौंड्स दे लई, 1000 करोड़ रेजुविनेशन ऑफ पौंड्स दे लई। नेक्स्ट आ गई मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम या कह सकते हैं पीएम स्वनिधि स्कीम नू इंप्लीमेंट करन दे विच एमपी द्वारा टॉप किया गया। हालांकि पीएम स्वनिधि स्कीम के रिलेटेड एक न्यूज़ अपनी आज भी है, उसनों आप कल मंडे क्लास से भी डिस्कस करांगे। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम इंप्लीमेंट दे विच टॉप किसने किया गया? मध्य प्रदेश द्वारा। तेलंगाना गवर्नमेंट ने एक कैंपेन लॉन्च किया साइबर, साइबर कैंपेन नू साइबर क्राइम दे रिलेटेड अगेंस्ट लॉन्च किया गया तेलंगाना गवर्नमेंट द्वारा। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश द्वारा ही डिसाइड किया गया है टू प्रोवाइड मंथली असिस्टेंस। की डिसाइड किया गया? मंथली असिस्टेंस प्रोवाइड करवाने की गल की गई है 5000 रुपए। एसिड अटैक विक्टिम्स नू 5000 रुपए दिते जाएंगे हर महीने मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा। नेक्स्ट राजस्थान। राजस्थान के हेल्थ मिनिस्टर रघु शर्मा द्वारा, नाम इंपोर्टेंट नहीं बनेगा, सिंपल याद रखेंगे कि राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा प्योर फॉर श्योर एक वीक लोंग कैंपेन लॉन्च किया गया। प्योर फॉर श्योर एक वीक लोंग कैंपेन 8 जुलाई तो 14 जुलाई तक लॉन्च किया गया सी प्योरिटी ऑफ मिल्क दे ले। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स की प्योरिटी नू इंज्योर करन दे ले, चेक करन दे ले प्योर फॉर श्योर वीक लोंग कैंपेन लॉन्च किया गया। हरियाणा गवर्नमेंट ने समाधान से विकास हरियाणा, समाधान से विकास हरियाणा लॉन्च किया जिसके अंडर की किया जाएगा कि जेडे एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जिज़ ने EDC और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्जिज़ ने IDC इन्हें जेडे पेंडिंग ने इन्हों लैन दे इन्हों की रिकवरी दे इसनों लॉन्च किया गया। यूनियन मिनिस्टर कौन ने? महेंद्र नाथ पांडे यूनियन मिनिस्टर फॉर स्किल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर ने। इन्होंने आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉई एम्प्लॉयर मैपिंग पोर्टल या डायरेक्ट कह सकते हैं एक असीम पोर्टल, असीम शॉर्ट फॉर्म दे विच असीम पोर्टल लॉन्च किया गया टू हैल्प स्किल्ड पीपल फाइंड सस्टेनेबल लिवलीहुड अपॉर्चुनिटीज। असीम पोर्टल स्किल्ड लोगों को अपॉर्चुनिटीज कह सकते हैं, जॉब्स कह सकते हैं प्रोवाइड करवाने के लिए, वर्क प्रोवाइड करवाने के लिए लॉन्च किया गया। नीति आयोग। नीति आयोग द्वारा एक ऑनलाइन कोर्स एप्लीकेशन, ऑनलाइन कोर्स एप्लीकेशन ATL ऐप लॉन्च की गई। नीति आयोग द्वारा ATL एप्लीकेशन नू लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है नबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट गोविंदा चिंतला राजू
जिस दे हैड ने गोविंदा चिंतला राजू और मुंबई दे विच इसका हैडक्वार्टर है। इसने लॉन्च किया डिजिटल चौपाल टू मार्क इट्स 39th फाउंडेशन डे ऑन 13 जुलाई नूं ते इन्होंने अपना 39th फाउंडेशन डे ऑब्जर्व किया और इस दिन इन्होंने लॉन्च किया डिजिटल चौपाल 1982 दे विच शायद इसनों बनाया गया सी। बांग्लादेश हैज लॉन्च डिजिटल हार्ट। बांग्लादेश ने लॉन्च किया डिजिटल हार्ट किस दे लई? ऑनलाइन सेल और परचेज दे लई सैक्रीफाइसल एनीमल्स नूं, उन्हां एनीमल्स नूं जिन्हां नूं बलि दित्ता जाएगा ईद दे कारण, तां उन्हां नूं सेल और परचेज करन दे लई डिजिटल हार्ट लॉन्च किया। कैड़ी कंट्री ने? बांग्लादेश ने। कैपिटल ढाका, करंसी टका चलती है। गूगल द्वारा रीलॉन्च किया गया एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म गूगल प्लस नूं गूगल करंट दे नाम तो गूगल द्वारा रीलॉन्च किया गया। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि उत्तराखंड स्टेट दे माना विलेज माना एक विलेज है उत्तराखंड दे विच, इसनों आइकॉनिक विलेज बनाया जाएगा। IIT गुवाहाटी द्वारा मैथड्स डेवलप किए गए ने टू प्रोड्यूस बायोफ्यूल्स फॉर फ्रॉम नॉन एलिजिबल सीड्स तो बायोफ्यूल्स बनाने के लिए मैथड्स डेवलप किए गए ने IIT गुवाहाटी द्वारा। नेक्स्ट है कुछ इंपोर्टेंट एग्रीमेंट्स डिस्कस करते हैं। सब तो पहले IIT हैदराबाद ने किस दे नाल पार्टनरशिप की? नवीडिया दे नाल। IIT हैदराबाद ने नवीडिया दे नाल पार्टनरशिप की टू एस्टैब्लिश इंडियाज़ फर्स्ट नवीडिया AI टेक्नोलॉजी सेंटर। नवीडिया AI टेक्नोलॉजी सेंटर बनाने लई, इंडिया दे विच पहला AI टेक्नोलॉजी सेंटर नवीडिया का बनाने लई IIT हैदराबाद ने नवीडिया दे नाल पार्टनरशिप की। तमिलनाडु ने मार्केट बोरोइंग्स दे विच टॉप किया है 30,500 करोड़ दे नाल और सैकेंड प्लेस ते रहा महाराष्ट्र 25,500 करोड़ दे नाल एज़ पर द रिपोर्ट बाय RBI। मार्केट बोरोइंग्स की लिस्ट किस द्वारा जारी की गई? RBI द्वारा और इस दे विच टॉप किया गया तमिलनाडु द्वारा। कर्नाटका ने फ्लिपकार्ट दे नाल पार्टनरशिप की। कर्नाटका गवर्नमेंट ने फ्लिपकार्ट दे नाल पार्टनरशिप की किस दे लई? लोकल आर्ट्स क्राफ्ट और हैंडलूम्स नूं प्रमोट करन दे लई। झारखंड ने MOU साइन किया HDFC बैंक दे नाल। झारखंड गवर्नमेंट ने HDFC बैंक दे नाल पार्टनरशिप की डिजिटल पेमेंट्स करन दे लई। ट्रैफिक वायलेटर्स द्वारा डिजिटल पेमेंट करवान दे लई झारखंड ने MOU साइन किया HDFC बैंक दे नाल। मास्टर कार्ड ने इन्वेस्ट करेगा 250 करोड़। मास्टर कार्ड इंडिया दे विच 250 करोड़ इन्वेस्ट करेगा इंडियन स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज दे लई। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड न्यूयॉर्क दे विच हेडक्वार्टर है और HH4 हैड ने। इन्हां द्वारा पार्टनरशिप की गई फीकी दे नाल। फीकी की है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। न्यू दिल्ली दे विच हेडक्वार्टर है और संगीता रेड्डी हैड ने। इन्हां दोनों ने मिलकर एक इनिशिएटिव लॉन्च किया। इनिशिएटिव लॉन्च किया री इमेजिन कैंपेन लॉन्च किया गया फिक्की और यूनिसेफ ने मिलकर किस दे लई? टू सपोर्ट वल्नरेबल पॉपुलेशन एंड चिल्ड्रन इन इंडिया। होंगकोंग और शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन HSBC होंगकोंग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन ने गुजरात दे विच एक कुछ बनाने की गल की है। इस दे लई एग्रीमेंट साइन किया गया है। होंगकोंग और शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन की करेगा IFSC बैंकिंग यूनिट नू बनाएगा। IFSC बैंकिंग यूनिट बनाएगा किथे? गिफ्ट सिटी ऑफ गुजरात। गिफ्ट दी फुल फॉर्म है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक। गिफ्ट सिटी ऑफ गुजरात दे विच होंगकोंग और शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन है जिहड़ा वो IFSC बैंकिंग यूनिट लगाएगा। नबार्ड ने की किया ग्रांट एक्सटेंड किया कर्नाटका दे लई
ਨਬਾਰਡ ਦੁਆਰਾ 221.79 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਬਾਰਡ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ, ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਕੱਲ੍ਹ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ, ਗੂਗਲ ਦੁਆਰਾ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਟੂ ਇਨਵੈਸਟ 33,737 ਕਰੋੜ, 33,737 ਕਰੋੜ 7.7% ਸਟੇਕ ਬਾਏ ਕਰੇਗਾ ਗੂਗਲ ਜੀਓ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਬੇਲ ਭਾਰਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਲਿਮਿਟਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸਦੇ ਲਈ? ਟੂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇਨ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ। ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਲਿਮਿਟਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡ ਨੇ ਉਹ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਮੈਂਟ ਬੋਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਸਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ। ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈੱਡ ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਮੈਂ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੈੱਡ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਬੋਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਇਸਦੇ ਹੈੱਡ ਕੌਣ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਲਿਮਿਟਡ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਬੈਂਗਲੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਰਾਨ ਦੁਆਰਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਛਾਬਹਾਰ ਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਛਾਬਹਾਰ ਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਕਸਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਰਾਨ ਦੁਆਰਾ। ਐਨਟੀਪੀਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਟੂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀਜ਼। ਐਨਟੀਪੀਸੀ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਐਨਟੀਪੀਸੀ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ, ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਚਿਲੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਚਿਲੀ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ FAO ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ, ਚਿਲੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਪਲੱਸ FAO ਫੂਡ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ 2020 ਦੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੋਰਮ ਸਾਈਡ ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸਦੇ ਲਈ? 2021 ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਈਅਰ ਆਫ ਫਰੂਟਸ ਐਂਡ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, 2021 ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਈਅਰ ਆਫ ਫਰੂਟਸ ਐਂਡ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਿਹਾ FAO। ਇਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਲਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੋਰਮ, ਔਰ ਉਸਦੇ ਲਈ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਇੰਡੀਆ, ਚਿਲੀ ਔਰ FAO ਨੇ। ਕੋਚਿਨ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ਲਿਮਿਟਡ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਵਰਲਡ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫੁੱਲੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੈਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਐਸਕੋ ਮੈਰੀਟਾਈਮ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਲਈ? ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਰਵੇ ਕੈਪੀਟਲ ਓਸਲੋ ਹੈ ਔਰ ਕਰੰਸੀ ਕਰੋਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਐਗਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸਦੇ ਲਈ? ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ। ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ। ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ MOU ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਈਬਰ ਥਰੈਟਸ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਈਬਰ ਥਰੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ MOU ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਨਰਜੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ADB ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਨਰਜੀ ਸੈਕਟਰ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਿਟੀ ਔਰ ਰੈਜ਼ੀਲੈਂਸ ਦੇ ਲਈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਨਰਜੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੈਰਿਸ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਹੈ। ADB ਦੁਆਰਾ ਹੀ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਹੀ, ਕਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ EAA, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਬਵ ਆਲ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟੂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ? 100 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। EAA ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਕਤਰ ਦੋਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ੇਖਾ ਮੋਜ਼ਾ ਬਿੰਤ ਨਸੀਰ ਇਸਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਗੂਗਲ ਦੇ ਹੈੱਡ ਸੁੰਦਰ ਪਿਚਈ ਦੁਆਰਾ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗੂਗਲ ਫੋਰ ਇੰਡੀਆ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫੰਡ, ਜਿਸਦੇ ਅੰਡਰ 75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਗੂਗਲ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ ਮਾਲਦੀਵਜ਼ ਦੇ 61 islands ਨੂੰ ਆਊਟਡੋਰ ਫਿਟਨੈਸ ਇਕਿਪਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਕੈਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ $8 million ਦੀ।
$8 million की, किन्नी अमाउंट दी गई है $8 million। नेक्स्ट है कुछ इंपोर्टेंट बुक्स डिस्कस करते हैं। सब तो पहले तेंजिन गायचे तेदोंग, तेंजिन गायचे तेदोंग, इन्हों द्वारा एक बुक लिखी गई है हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा, हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा, बेसिकली ऑन द लाइफ स्टोरी ऑफ दलाई लामा तेंजिन गायसो, दलाई लामा तेंजिन गायसो। रस्किन बोन द्वारा एक बुक लिखी गई अ सोंग ऑफ इंडिया, अ सोंग ऑफ इंडिया। इस तो अलावा स्टीफन किंग द्वारा भी एक बुक लिखी गई इफ इट ब्लीड्स, इफ इट ब्लीड्स। एक न्यूज़ होर बुक दे रिलेटेड ही सी, इस करके अपने इसमें इत्थे इंक्लूड किया है कि केरला दे कोलम डिस्ट्रिक्ट दे विच एक विलेज है पेरीकुलम विलेज, पेरुमकुलम विलेज। यह केरला का पहला बुक विलेज बन चुके, केरला का पहला बुक विलेज कौन बने है पेरुमकुलम विलेज। और इंडिया के पहले बुक विलेज की गल करिए महाराष्ट्र के सतार डिस्ट्रिक्ट का बिलिहार है, बिलार सितार डिस्ट्रिक्ट का महाराष्ट्र के विलेज है जिहड़ा इंडिया का पहला बुक विलेज बनया। नेक्स्ट है अवार्ड के वल चलते हैं। सब तो पहले केजांग दी थोंगडोक, केजांग दी थोंगडोक नू दादा साहेब फालके अवार्ड दिता गया, दादा साहेब फालके अवार्ड 2020। केजांग दी थोंगडोक अरुणाचल प्रदेश तो बिलोंग करते हैं, इन्हों रिलेटेड एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। दूसरा इन्हों की डॉक्यूमेंट्री ची लोपू यानी कि हनी हंटर्स, किस दे लिए इन्हों यह अवार्ड दिता गया हनी हंटर्स ची लोपू डॉक्यूमेंट्री के लिए। नेक्स्ट है रोटरी फाउंडेशन द्वारा, रोटरी फाउंडेशन ऑफ रोटरी इंटरनेशनल द्वारा तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर ईके पलाना स्वामी, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ईके पलाना स्वामी पॉल हैरिस फैलो रिकोगनाइजेशन, पॉल हैरिस फैलो रिकोगनाइजेशन के नाल सन्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री दर्पण पोर्टल नू, मुख्यमंत्री दर्पण पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन नू अवार्ड दिता गया एलाइट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020, एलाइट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 किसनू दिता गया छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री दर्पण पोर्टल नू। हॉकी ओलंपियन कौन ने गुरबख्श सिंह और क्रिकेट कोच पलाश नंदी, हॉकी ओलंपियन गुरबख्श सिंह और क्रिकेट कोच पलाश नंदी नू एक अवार्ड दिता गया मोहन बगन रतन। एक फुटबॉल ग्रुप है मोहन बगन जिसका हैडक्वाटर बेसिकली कोलकाता दे विच है, उसका हाईएस्ट ओनर है मोहन बगन रतन, दिता गया गुरबख्श सिंह और कोला क्रिकेट कोच पलाश नंदीन। इस तो अलावा अशोक कुमार और प्रणव गांगुली नू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिता गया मोहन बगन द्वारा। नेक्स्ट है इसरो दे चीफ के सिवान इसरो के चीफ ने, इन्होंने एक अवार्ड जितया 2020 का वॉन करमन अवार्ड इंटरनेशनल अकैडमी ऑफ एस्ट्रोनॉट्स द्वारा, इंटरनेशनल अकैडमी ऑफ एस्ट्रोनॉट्स द्वारा 2020 का वॉन करमन अवार्ड दिता गया के सिवान, इंडियन पर्सन के सिवान। इन्होंने यह अवार्ड मार्च 2021 के पैरिस दे विच दिता जाएगा। इन्हों द्वारा बिरेन रॉय स्पेस अवार्ड भी दिता गया सी 2011 दे विच, बिरेन रॉय स्पेस अवार्ड 2011 दे विच जित्या गया सी। इस तो इलावा वॉन करमन अवार्ड की गल करिए, इसनू पहले भी दो इंडियंस जित चुके ने कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन और यूआर राव, कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन और यूआर राव भी इस अवार्ड नू जित चुके ने। नेक्स्ट है वेद प्रकाश दुदेजा कौन ने, वाइस प्रेसिडेंट ने रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी दे, इन्हों एक अवार्ड दिता गया इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर, इन्फ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड दिता गया रेल इंफ्रा और मोबाइल बिजनेस अवार्ड द्वारा। नेक्स्ट है टाटा दे सीईओ कौन ने, एन चंद्रशेखरन, और लॉकहीड मार्टिन दे सीईओ कौन ने, जिम टेकलेट। दोनों ने एक अवार्ड दिता गया USIBC यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया बिजनेस काउंसिल का ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड, यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया बिजनेस काउंसिल का ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड। नेक्स्ट है कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट द्वारा 2020 दे इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड्स अनाउंस किए गए, 2020 दे इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड्स अनाउंस किए गए। किस नूं दिता गया है, साहिदुल आलम बंगलादेश तो बिलोंग करते हैं, मुहम्मद मौसीद ईरान तो बिलोंग करते हैं,
दो नाम ईजी ने याद रख सकते हैं आप, शाहिदुल आलम और मोहम्मद मसीद, मोहम्मद मसीद। इस तो अलावा तीसरा नाम है डापो ओलन रोमी, नाइजीरिया तो बिलोंग करते हैं। और चौथा नाम है स्वेटलाना प्रोकोपोवा, रशिया तो बिलोंग करते हैं। इन्हों चारा इस अवार्ड नू दिता गया। बेसिकली अवार्ड दिता जाएगा नवंबर 2020 के, अनाउंस किए गए हैं 2020 के अवार्ड दिते जाएंगे। सचिन अवस्थी, सचिन अवस्थी नू ग्लोबल ह्यूमनिटेरियन अवार्ड 2020 दिता गया लंडन दे विच। सचिन अवस्थी नू ग्लोबल ह्यूमनिटेरियन अवार्ड 2020 दिता गया। नेक्स्ट है इंडियन ओलंपिक कमेटी नू ईयू ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड दिता गया, ईयू ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड दिता गया इंडियन ओलंपिक कमेटी नू। एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने एक अवार्ड दिता है सीआईआई आईटीसी सस्टेनेबिलिटी अवार्ड, CII ITC Sustainability Award 2019 किसने जीते है? NTPC ने। न्यू दिल्ली दे विच हेडक्वार्टर है, गुरदीप सिंह इस दे हेड ने। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, आयुष मिनिस्ट्री द्वारा माई लाइफ माई योगा वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट दे विनर्स अनाउंस किए गए। विनर्स हर एक कैटेगरी दे विच एक मेल और एक फीमेल नू अनाउंस किया गया। सब तो पहले प्रोफेसनल कैटेगरी दे विच अश्वत हेगड़े और रजनी गहलोत, अश्वत हेगड़े रजनी गहलोत, राजपाल सिंह आर्या और साहिले प्रसाद अडल्ट कैटेगरी दे विच, प्रणय शर्मा और नव्या SH यूथ कैटेगरी दे विच। ठीक है जी, नाम याद रखने ने इंपोर्टेंट रहेंगे, सब तो ज़्यादा इंपोर्टेंट रहेगा अपने लिए प्रोफेशनल कैटेगरी। नेक्स्ट है इंपोर्टेंट डेज दे वल चलते हैं। सब तो पहले नैशनल फिश फार्मर्स डे 10 जुलाई नू ऑब्जर्व किया गया। 11 जुलाई नू वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जिसकी थीम रही सी पुटिंग द ब्रेक ऑन COVID-19 सेफगार्डिंग द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वूमेन एंड गर्ल्स। बेसिकली अगर आप गल करिए वूमेन एंड गर्ल्स की हेल्थ के उत्ते इस दिन की थीम रखी गई सी। वर्ल्ड मलाला डे 12 जुलाई नू ऑब्जर्व किया गया एज अ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मलाला यूसुफजई। इस तो अलावा इंपोर्टेंट बनता है इन्होंने नोबल प्राइज जीता सी 2014 के और यंगेस्ट रेसिपिटेंट बने सी 17 साल की उम्र के इन्हों नोबल प्राइज दिता गया सी। इन्हों द्वारा एक बुक लिखी गई सी वी आर डिसप्लेस्ड याद रखनी। 15 जुलाई नू वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे ऑब्जर्व किया गया, वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे ऑब्जर्व किया गया 15 जुलाई नू जिसकी थीम रही सी स्किल्स फॉर रेजिलेंट यूथ, स्किल्स फॉर रेजिलेंट यूथ। इस तो अलावा 15 जुलाई नू ही इन एजुकेशनल डेवलपमेंट डे तमिलनाडु द्वारा ऑब्जर्व किया गया, तमिलनाडु द्वारा एजुकेशनल डेवलपमेंट डे 117वीं बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई CM के कामाराज की, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर CK कामाराज की 117वीं बर्थ एनिवर्सरी जिन्होंने किंग मेकर के नाम तो भी जाने जाता है। इन्हों 1976 भारत रत्न मिल चुके है, याद रखना। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च द्वारा 92वां फाउंडेशन डे ऑब्जर्व किया गया 16 जुलाई नू, अपना 92वां फाउंडेशन डे 16 जुलाई नू ऑब्जर्व किया गया। 1929 दे विच इस नू बनाया गया सी और न्यू दिल्ली दे विच इसका हेडक्वार्टर है। 18 जुलाई नू इंटरनेशनल नैनसल मंडेला डे ऑब्जर्व किया गया, इंटरनेशनल नैनसल मंडेला डे कदों ऑब्जर्व किया गया? 18 जुलाई नू। इन्हों का बर्थ होया सी 1918 दे विच, 1990 दे विच भारत रत्न दिता जा चुका है और ये पहले प्रेजिडेंट सीगे साउथ अफ्रीका दे, साउथ अफ्रीका दे पहले प्रेजिडेंट रह चुके नैनसल मंडेला। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट्स दे वल चलते हैं। सब तो पहले IRDAI द्वारा एक ग्रुप बनाया गया, एक वर्किंग ग्रुप किस दे लई तो स्टडी करन दे लई एक फोर्म की बनाया जा रहा है, इंडियन पेंडेमिक रिस्क पूल बनाने दे लई रिकमेंडेशन और स्टडी करन दे लई एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी का हैड अपॉइंट किए गए सुरेश माथो। नेक्स्ट है सेबी द्वारा भी एक कमेटी बनाई गई, किस दे लई? कैप फंड्स दी, म्यूचुअल फंड्स दे लई जिहड़ी कमेटी बनाई गई है उसके हैड अपॉइंट किए गए ने उषा थोरोट। कौन ने? उषा थोरोट डिप्टी गवर्नर रह चुके ने RBI दे, फॉर्मर डिप्टी गवर्नर रह चुके ने RBI दे। इस तो अलावा अशोक लवासा इलैक्शन कमिश्नर ने, इंडिया के इलैक्शन कमिश्नर ने अशोक लवासा, इन्हों वाइस प्रेजिडेंट अपॉइंट किया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक का अगले 3 साल के लिए।
एशियन डेवलपमेंट बैंक का वाइस प्रेजिडेंट अपॉइंट किया गया अगले 3 साल। नैक्सट है, हैल्थ मिनिस्टर रह चुके ने गोवा के डॉक्टर सुरेश अमोणकर, इन्हों की रीसेंटली COVID-19 के कारण डैथ हो गई। नैक्सट है, RBI द्वारा एक कमेटी बनाई गई, RBI द्वारा एक कमेटी बनाई गई क्विक रिस्पोंस यानी कि QR कोड, जो QR कोड्स होंगे ने उन्होंने द्वारा कॉन्टैक्टलैस ट्रांजैक्शन प्रोसैस करने के लिए एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी के हैड अपॉइंट किए गए IIT बॉम्बे के प्रोफेसर दीपक रथाक। स्पोर्ट्स अड्डा द्वारा ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ब्रैटली ब्रांड अंबैसडर चूज किया गया। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ब्रैटली स्पोर्ट्स अड्डा, इंडिया की स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म है स्पोर्ट्स अड्डा, इसका ब्रांड अंबैसडर बनाया गया। मणिपुर के ज्ञानेंद्र निगोंगबम प्रेजिडेंट अपॉइंट किया गया हॉकी इंडिया का प्रेजिडेंट अपॉइंट किया गया मणिपुर के ज्ञानेंद्र निगोंगबम, क्योंकि मुहम्मद मुस्तीक अहमद ने डेजिग्नेशन दिता सी। हॉकी इंडिया के हैडक्वार्टर न्यू दिल्ली के विच है और हॉकी इंडिया के सैक्रेटरी जनरल ने राजेंद्र सिंह। हेमंग आमीन अपॉइंट किया गया इंटरिम CEO BCCI का, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया। इस जेडे CEO सिगे राहुल जौहरी सिगे, इन्होंने रेजिग्नेशन दिता और उस तो बाद हेमंग आमीन इंटरिम CEO अपॉइंट किया गया। नवतेज बाल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया गया माइक्रोसॉफ्ट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किए गए ने नवतेज बाल। नैक्सट है, ली हसीन लूंग प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए ने सिंगापुर के नवे प्राइम मिनिस्टर ली हसीन लूंग। एंड्रेज डूडा प्रेजिडेंट अपॉइंट किए गए ने पोलैंड के प्रेजिडेंट एंड्रेज डूडा। इंडिया वालों एंबैसडर अपॉइंट किए गए ने बंगलादेश के विक्रम डोराय स्वामी। इंडिया वालों अंबैसडर अपॉइंट किए गए अफगानिस्तान के रुद्रेंद्र टंडन और इंडिया वालों अंबैसडर अपॉइंट किए गए तुर्कमेनिस्तान के विदू पी नायर। सब तो पहले ये 5 अपॉइंटमेंट्स याद रखनी ने। इस तो इलावा प्राइम मिनिस्टर सिगे तुनीशिया दे प्राइम मिनिस्टर एलिस फकफक सिगे, इन्होंने रिजाइन किया अपनी पोस्ट तो, इन्होंने रिजाइन कर दिता है अपनी पोस्ट तो। तुनीशिया कैपिटल तूनीस है, करंसी दिनाल चलती है और इतने के प्रेजिडेंट ने कईस सईद इतने के प्रेजिडेंट ने। इस तो इलावा सुरनामे की है, सुरनामे एक कंट्री है, अगर गल करिए साउथ अफ्रीकन कंट्री है, इतने अपॉइंटमेंट किए गए ने प्रेजिडेंट की, इंडियन ओरिजन ने, इसलिए अपने लिए इंपोर्टेंट बनता इन्हों का नाम चैन संतोखी। बेसिकली अगर आप सुरीनेम कंट्री की गल करिए, इतने ज़्यादातर जी पॉपुलेशन है हिंदू पॉपुलेशन है और चैन संतोखी इंडियन ओरिजन परसन इतने के प्रेजिडेंट अपॉइंट किए गए। कैपिटल परमारीबो और करंसी इतने डॉलर चलती है। नैक्सट आप डिस्कस करते हैं कुछ स्पोर्ट्स न्यूज़। सब तो पहले 2-time यूरोपियन वेट लिफ्टिंग चैंपियन रह चुके ने रशिया तो एंड्रे डेमनोव नू सस्पेंड किया गया डोपिंग चार्जिज़ के लिए एंड्रे डेमनोव रशिया तो बिलोंग करते हैं और 2-time वेट लिफ्टिंग चैंपियन रह चुके हैं। लुइस हैमिल्टन कितों बिलोंग करते हैं, UK तो बिलोंग करते हैं और इन्होंने जीते है स्काईट्रैक्स ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जीते है किसने, लुइस हैमिल्टन ने। नैक्सट है, इंग्लैंड के एगल बॉल स्टेडियम के इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेलिया गया। क्यों इंपोर्टेंट बनता है, क्योंकि COVID-19 तो बाद यह पहला इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेलिया गया कि 2 countries के वैसट इंडीज़ और इंग्लैंड के, और जितया किसने, वैसट इंडीज़ ने। नैक्सट है, जैक चार्ल्टन जिसनू बिग जैक के नाम जाना जाता है, इन्हों की रीसेंटली डैथ हो गई है। कितों बिलोंग करते हैं, इंग्लैंड तो बिलोंग करते हैं। विम सुरबियर फुटबॉलर रह चुके हैं और इन्हों की भी रीसेंटली डैथ हो गई है। कितों बिलोंग करते हैं, नीदरलैंड तो बिलोंग करते हैं। माइल जेडिनैक फुटबॉलर ने ऑस्ट्रेलिया तो बिलोंग करते हैं, इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस की। ठीक है जी। सिमिलरली आप एक अपना नाम हो डिस्कस किया, स्पेन का एरिट्स एडोरिस भी फुटबॉलर ने और इन्होंने भी रिटायरमेंट अनाउंस की। आज दे लई बस इन्ना ही। आई होप सानू सैशन पसंद आया होएगा, सैशन नू लाइक और शेयर जरूर कर दे रहो अपने फ्रेंड्स के नाल,
पूरे वीक दे विच जिन्ने भी न्यूज़ सीगियां वो सारियां आपां ने इत्थे एक क्विक रिवीजन दे नाल डिस्कस कीतियां ने। आई होप सानू सैशन पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन। गुड बाय।